ये ईश्वर का आशीर्वाद ही है। कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण उड़ीसा के इस पवित्र भूमि पर सदियों से जगन्नाथ भगवान के रूप में विराजमान है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जगत पिता जय जगन्नाथ किस पावन धरती में उड़ीसा की जनता की सेवा करने का मौका मिला। मैंने जय जगन्नाथ बाबा जो गरीबों की देवता है, तो मैंने उनसे यही आशीर्वाद मांगा कि जो उड़ीसा में गरीब है, जो किसान है, जो शोषित है, जो वंचित है, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। सभी उड़ीसावासी देशवासियों को आशीष दे, उन पर कृपा दृष्टि बरसाए। और जो भारत एक आध्यात्मिक देश है और उस आध्यात्मिक देश में उड़ीसा भी एक आध्यात्मिक राज्य है, तो भारत फिर से विश्व गुरु बने और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार आध्यात्मिक केंद्रों का पुनरुद्धार कर रहे हैं, सनातन धर्म जो आदिकाल अनंत है आज पूरे विश्व में परचम लहरा रहे हैं, तो जय जगन्नाथ बाबा का परचम पूरे विश्व में लहराए, सबका कल्याण करे, यही आराधना मैंने की। नहीं, बहुत ही दुखद घटना है। जय जगन्नाथ बाबा जो परिवार है, दुखित परिवार, उनको सांत्वना, और जय जगन्नाथ बाबा इतनी शक्ति दे कि दुख की इस घड़ी बेला में उनको सहन शक्ति मिले। सर आगे के लिए क्या होगा सर, जो जगह उड़ीसा का डेवलपमेंट आगे के लिए क्या क्या रहेगा सर? देखिए, उड़ीसा का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। जो संघीय ढांचे के तहत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, सरकार किसी की भी रहे, राज्य भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े, तो मैं उड़ीसा सरकार से संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो उड़ीसा सरकार की योजनाएं गरीब तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे, शोषित वंचित तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी एक महासेवक के रूप में मैं उड़ीसा की जनता की सेवा करूंगा, और इसीलिए शक्ति मांगने मैं जय जगन्नाथ बाबा के दरबार में। सर 2024 क्या क्या कुछ रहेगा आपका, जो कि कल आप शपथ लेने वाले हैं, और विशेष प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता आगे के लिए 2024 का इलेक्शन कैसा फिर रहेगा? देखिए, मैं अब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं राजनीतिक बयान नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरी प्राथमिकता रहेगी उड़ीसा की जनता की सेवा करना, विकास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। सर एक अच्छी बात है और बड़ी बात है, आगे कि जो कल शपथ लेने वाले हैं, आप सब आमंत्रित हैं, क्या कुछ आह्वान रहेगा उड़ीसा वासियों के लिए? नहीं, मैं उड़ीसा वासियों को यही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं उड़ीसा, जय जगन्नाथ बाबा ने मुझे उड़ीसा बुलाया जनता की सेवा करने, तो 24 घंटा राजभवन का दरवाजा गरीब जनता के लिए खुली रहेगी। मैं मंदिर प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई, यहाँ के जितने पंडा उनका भी मैंने आशीर्वाद लिया, अच्छी प्रबंधन है, और यहाँ का प्रबंधन रथ यात्रा में सिर्फ देश नहीं दुनिया देखती है यहाँ का प्रबंधन। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।